शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे भैया जी, हम क्या कह रहे थे कि एक बार श्रद्धा जी से पूछ लेते। नहीं मतलब आखिरी बार बात उन्हीं से हुई थी तो। मेरा कोई काम खराब हो और मैडम किराएदार का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? रोशनी ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा होगा ना? तुम बताओ, तुमने उससे क्या कहा? बताओ। पहले मेरा हाथ छोड़िए। मैं नहीं छोड़ूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि रोशनी से नहीं, तुम्हारे मकान मालिक की मंगेतर से तुमने क्या कहा जो मेरा फोन नहीं उठा रही है? वो ने उससे वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था, जो सही है। तुम होती कौन हो? हाँ, क्या सही है क्या गलत डिसाइड करने वाली तुम लगती क्या हो? मेरी जिंदगी के फैसले सिर्फ मैं लेता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं, किससे शादी करूंगा किससे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला है। और हाँ, एक सेकंड के लिए भी ना ये मत सोचना कि तुम्हें यहां रहने दे रहा हूं तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम सिर्फ एक किराएदार हो, हमारा परिवार नहीं। और टांग अड़ाने का ज्यादा शौक है ना तो जाके अपनी बहन की जिंदगी में अड़ाओ, मेरी नहीं। इसी के लिए हो ना हमारे साथ चिपकी हुई? लो, इसलिए ताकि तुम मेरी जिंदगी में टांग ना अड़ाओ अपनी। ज्यादा दिन नहीं बचे तुम्हारे इस घर में, तुम्हारे बाकी के पैसे बचे भी तुम्हारे मुंह पर मारूंगा मैं और तुम्हारा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय। अबे बस चुप हो जा, आज तुमने बहुत ज्यादा बोल लिया। बहुत मैं नहीं, बहुत ज्यादा ये करती है। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं। अब मेरी भी जिद है, जब तक रोशनी इस घर में वापस नहीं आ जाती ना तो मैं खाना खाऊंगा ना ही दवाई खाऊंगा। आप सभी को ये सब गलत लगेगा ना, पर ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किया दीदू ने जो उस रोशनी को ना बाहर का दरवाजा दिखा दे। अरे आजकल समझ ही नहीं आता किस पे भरोसा करूं किस पे नहीं। डॉक्टर भी याददाश्त खोने का ना फायदा उठाने लगे। वरुण जी क्या कर रहे, ध्यान कहाँ है आपका? कहाँ होगा ध्यान कीर्ति, जब मेरी बीवी अपनी बहन के सामने साफ साफ कह रही कि वो जिंदगी में कभी मुड़के नहीं देखती। मेरी बीवी कह रही है कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगी, तो क्या सोचूं मैं? कीर्ति एक बात बताना और सच कहना, तुम्हारे लिए क्या किसी भी रिश्ते के कोई मायने हैं? किसी भी रिश्ते के? वरुण जी आप हमें एक बात समझाइए, हमारी कही हर बात जो हमने किसी से भी कही आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? वो बात हमने हमारे लिए नहीं सिर्फ दीदू के लिए कही थी। हो सकता है कि उस वक्त तुमने वो बात हमारे लिए नहीं की, लेकिन ये भी तो सच है ना कीर्ति कि कोई भी बात जुबान पे ऐसे ही नहीं आती जब तक वो मन में भी ना हो। अरे क्यों होगी वो बात हमारे मन में? और ऐसे ऐसे कौन सी चीज हमने की है जो आपको ऐसा लगा है? नहीं कीर्ति, सच यही है कि वो बात अचानक तुम्हारी जुबान पे इसलिए आई क्योंकि वो तुम्हारे मन में भी है। और क्यों ना होगी मन में, तुमने तो मुझे राज के लिए छोड़ दिया। अब इसके आगे एक और शब्द नहीं। छोड़िए, हम क्यों इस बेकार बात पे बहस कर रहे? क्योंकि आपको को समझाने का ना कोई फायदा ही नहीं। आप कोई भी बात पकड़ के हमसे लड़ने लगेंगे। अरे मैं तुमसे लड़ाई थोड़ी करना चाहता हूँ यार, बल्कि मैंने तो प्लान बनाया था कि हम साथ में नाश्ता बनाएंगे, बातें करेंगे। और चाय उबलने से पहले आप उबल गए, वो भी उस बात पे जिस बात से हमारा कोई लेना देना ही नहीं। एक काम करिए,
आप अकेले बैठिए और चाय नाश्ता करिए। बोला ना मुझे नाश्ता नहीं करना है, लेकर जाए इसे। क्या भैया आप भी इतने बड़े होकर ऐसे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? कर लो ना नाश्ता प्लीज। लेकर जाए इसे। सॉरी भाभी, वो भैया अपनी जिद पर ही अड़े हुए हैं। आपको ऐसे तकलीफ में देखकर अब मुझे खुद कितनी तकलीफ होती है। ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने मुझे? आपका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, और आपको जो चाहिए अब है वो हो भी नहीं सकता है। चलो बेटा। रोशनी तुम आ गई, पर तुम तो कह रही थी कि तुम नहीं आओगी, और कैसे? अब मैं आंटी को मना नहीं कर पाई, और फिर वो मुझे खुद लेने आई थी, तो इतनी तो मैं उनकी रिस्पेक्ट कर ही सकती हूँ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। बेटा हम माँ हैं, कोई पत्थर नहीं। तुम्हें ऐसे मुंह लटकाए बिना खाए पिए देख के हमें अच्छा लग रहा है क्या? और जब इसे तुम्हारी इतनी चिंता है, तुम्हें इतना संभालती है, तो हम इतना तो इसके लिए कर ही सकते हैं ना? तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगी? हाँ, पर एक शर्त पर। क्या? वादा करो कि फिर कभी ऐसा बिहेव नहीं करोगे, खाना पीना छोड़कर, हड़ताल तो बिल्कुल नहीं। वादा? मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूं। थैंक यू। इट्स ओके। अरे डॉक्टर मैडम जी, अब कुछ कहना था आपसे। अब बताइए क्या कहना है। हमारे अभय साहब बहुत प्यार करते हैं आपसे, सच्ची। आपको पता है वो आपके जन्मदिन का केक बनाते समय वो फट गया। वो होता है ना, वो डब्बे जैसा, क्या माइक्रो फट गया, लेकिन उनको अपनी चोट की नहीं, केक की, आपकी खुशी की परवाह थी। हाँ, अबे है तो अच्छे इंसान, लेकिन शादीशुदा भी तो है। वो कोई शादी हुई तो शादी तो याद तक नहीं उनको, और ऊपर से वो श्रद्धा मैडम से नफरत और आपसे मोहब्बत। साहब की असली खुशी आपके साथ ही, सच्ची।
मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये अभी तक तुम समझ गई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कब से ही ऐसे ऐसे अपने की तलाश में थी मैं। जितना प्यार मुझे अभय ने दिया है, उनके परिवार ने दिया है, आज तक किसी ने नहीं दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस प्यार को जाने नहीं दूंगी। अभय को अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। नहीं अभय, मैं आपको अपने से दूर जाने नहीं दे सकती। नहीं, मुझे आपसे बात करनी ही होगी अभय। रोशनी अभी तक आई नहीं, कहाँ चली गई? कहीं फिर से घर वालों ने उसे कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं जाके एक बार देख लेता हूँ। अब मैं चलती हूं। रुको, अभी तो आई हो तुम, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे साथ बैठो ना। अबे मेरे पास वक्त तो नहीं है ना, और भी पेशेंट्स है ना जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं कल आती हूँ। रोशनी, रोशनी आंखें वो चुराते हैं जिनके दिल में चोर, जो कुछ ऐसा कर रहे हो जो गलत है, और वो इस बात को जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। कहीं तुम भी तो कुछ ऐसा नहीं कर रही हो जो गलत हो? आप श्रद्धा, मैं तो बस रोशनी, तुम तो मुझसे नजर नहीं मिला पा रही हो, जुबान से एक शब्द नहीं बोल पा रही हो। देख रही हो खुद को? बिना कुछ कहे ही तुमने सब कुछ कह दिया। रोशनी, तुम्हें मेरी बात शायद आज ये ठीक ना लगे, मगर तुम ये याद रखना कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो गलत कर रही हो। रोशनी, अभय की याददाश्त मिटी नहीं, सिर्फ गई है। कल को उन्हें सब याद आ जाएगा, उनकी सारी यादें वापस लौट आएगी। फिर क्या होगा? इसीलिए रोशनी, अपने इस जोश में होश मत खो बैठो। इतना मत आगे बढ़ जाओ रोशनी कि तुम्हारे लिए वहां से पीछे लौटना बहुत मुश्किल हो जाए। वक्त तुम्हारे कितने इम्तिहान ले रहा है श्रद्धा, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कोई भी तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ पाता।
ना तुम्हारे इस भरोसे को कोई हिला पाता है। बुआ जी, कभी कभी ना इतनी हिम्मत होती नहीं है मुझ में, बस बस सिर्फ खुद को भरोसा दिलाते रहती हूँ। मगर बुआ जी, आज मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है कि कहीं मेरी ये हिम्मत भी ना टूट जाए। बुआ जी, इस बारे में ना मुझे अब ऐसे बात करनी ही होगी। बुआ जी, नहीं सदा, अभी नहीं। अभी जिस तरह अभय का दिमाग चल रहा है, सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। अभी अभय की आंखों के सामने रोशनी नाम का बादल छाया हुआ है, जिसकी वजह से उसका आंख, कान, नाक सब कुछ बंद है। वो सिर्फ उस काले बादल के कारण तुमसे नाराज होकर बैठा है। तुम देखना, बहुत जल्दी उसका गुस्सा यूं चौमंतर हो जाएगा। फिर तुम उससे अच्छे से बैठकर बात कर लेना, ठीक है? आज ही रात को अभय से बात करती हूँ, और ये रोज रात को कहाँ के लिए निकल पड़ते हैं उसका भी जरा पता तो चले। ये यूनिफॉर्म कहाँ रख दिया है हमने? इसमें देख लेते हैं। ये फोन भी नहीं मिल रहा। ये फोन भी अभी बजना है। यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा। इस्त्री नहीं किया हमने। क्या अभी तक मुझसे नाराज हो? आपको क्या लगता है वरुण जी, हमारी लड़ाई पहले भी हुई है वरुण जी, पर आज जो आपने कहा है उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अभी भी नहीं कीर्ति, मुझे ना पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे गुस्सा आता है और मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ। इस बार अपने वरुण को माफ कर दो प्लीज। वरुण जी, अभी इन सब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। शहर में चोरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई और हमारे पास कोई सबूत नहीं। हमें तो लगता है कि वो चोर अगर हमने वरुण जी के सामने बोल दिया कि हमें शक अभय पे है कि वो चोर है, तो घर में तो तूफान ही आ जाएगा। वो चोर? वो चोर शहर में खुलेआम घूम रहा है और ऐसे में वो शहर वालों के लिए खतरा बन जाएगा। हमारे काम और नाम दोनों दांव पे लगे। 10 दिन में अगर उस गैंग को नहीं पकड़ा तो हमें इस केस से भी हटा दिया जाएगा। हमारी बहुत बदनामी होगी। कीर्ति, तुम बहुत बहादुर हो और अपने काम में माहिर भी हो। तुम देखना, तुम उस चोर को ही नहीं बल्कि उसके पूरे गैंग को भी पकड़ लोगे बहुत ही जल्द। बात पकड़ के ना बैठे हूँ अभय, और बस इस वक्त अभय अपने कमरे में हूँ। ये रोज रात को अभय कहाँ चले जा रहे हैं? मिनट में पहुंच ही रहे। हाँ, आइए। कीर्ति,
माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं दीदू, वैसे आप इतना ज्यादा परेशान लग रही हैं, क्या कर रही हैं इतनी रात को? कीर्ति कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करूं। अभय अपने कमरे में नहीं है, रोज रात पता नहीं कहां चले जाते, चुपचाप बाहर निकल जाते, उन्हीं को ढूंढने जा रही हूँ। दीदू गया होगा कहीं बाहर काम से, आ जाएगा। अब क्या हर बार आप उसके पीछे जाएंगी और उसे घर लेकर आएंगी? तू समझ नहीं रही है, पिछले कुछ दिनों से पता नहीं अभय की आदत बन गई है कहीं चले जाने की, वो चुपचाप कहीं चले जाते हैं। दीदू उस रात जिस चोर की झलक हमने देखी, आज हमें यकीन हो गया है कि वो अभय ही था। हमने जो बस की थी, ये कैसी बातें कर रही है तू? इस तरह की बातें क्यों करती है? अभय ऐसा कभी नहीं कर सकते, ऐसा करना तो दूर हुआ, ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकते, समझी तू? दीदू देखिए, हमारे कहने से अभय चोर नहीं बन जाएगा और आपके बार बार मना करने से अभय की सच्चाई छिप नहीं जाएगी। अभी अभय घर से बाहर निकला और हमें फोन आया है कि एक और चोरी हुई है, हम वही जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा शक यकीन में ना बदल जाए। वैसे इतनी रात को बाहर जाना आपके लिए सही नहीं होगा, कहाँ जाएंगी, कहाँ ढूंढेंगी उसे? आप घर पे इंतजार करिए, अभय से सुबह में बात कर लीजिएगा, ठीक है? हम चलते हैं। एडवांस में किराया दिया है ना, कि उसकी पहली किश्त पूरे 20,000 रुपए हैं। हे माता रानी, कहीं अभय सच में तो? अरे रात भर पुलिस की पूरी टीम ना उस बब्बर शेर गैंग वालों को पकड़ने में लगी हुई थी, और कल तो इन्होंने एक दो चोरी नहीं, एक साथ चार चोरी की है। कल रात तुम कहाँ थे अभय? तुम्हारी नौकरी तो ये एक दो दिन पहले ही लगी है ना, तो तुम्हारे पास इतना महंगा खड़ी कहाँ से आया? कुबेर का खजाना हाथ लग गया है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।